फर्ज करें कि फरिश्ते आपको कब्र में ये बताते हैं, मुबारक हो आपकी नेकियां 999 जबकि आपके गुनाह 998। एक नेकी के ज्यादा होने की वजह से आपको जन्नत ले जाया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद फरिश्ते आपको बैड न्यूज सुनाते हैं, अब आपके गुनाह 1000 हो गए जबकि नेकियां 999 ही है। तो एक नेकी के कम होने की वजह से आपको जहन्नम ले जाया जा रहा है। अब ये गुनाह क्यों बढ़ गए 998 से 1000? वो जो आपने सोशल मीडिया पे सॉन्ग्स वाले वीडियोस अपलोड किए थे, वो जो आपने गुनाह जारिया का तसलसल बनाया ना, ये थम नहीं रहा। ये लोग इस आपने जो साउंड अपलोड किया था उस पर वीडियोस बनाते जा रहे हैं। वो जो गलत वीडियोस आपने उसको शेयर किया था ना, वो अभी तक देख रहा है, वो अभी तक शेयर कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जब आप करते हैं तो आपको कभी माफी नहीं मिलती। एट अ टाइम अल्लाह से आप रोककर माफी मांगेगा, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन आपने दूसरे को भी शामिल किया है तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह जैसे आप सवाब जारिया का काम करते हैं तो ये हमेशा चलता रहता है। गुजारिश करता हूँ कि यार ऐसा कोई गुनाह ना करो जो हमेशा चलता रहे। कुछ ऐसे गुनाह हैं, मैं कहता हूँ भले बड़े भी हों, अल्लाह से एक बार माफी मांगने पर अल्लाह माफ कर देता है, वो मामला रफा दफा हो जाता है। गुनाह जारिया का तसलसल कभी नहीं रुकता।